हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो आप सब बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज फ्रेंड हम अपना PYQ सॉल्व करने वाले हैं, हिंदी का और GS का। जो भी PDF निकाले हैं उसका 10 ईयर का सॉल्व करने वाले हैं हम। तो आप सब बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, दिखाते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो बता दें, आज हमने बहुत लेट स्टडी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज 2023 की फर्स्ट बारिश हो रही थी मेरे यहाँ। 4 बजे से खूब बारिश हुई है, खूब बारिश हुई है, और लाइट भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं चार्ज है। पर ब्लॉग, एक छोटा सा ही ब्लॉग सही, लेकिन ब्लॉग डाल दें क्योंकि अपना काम करना चाहिए। वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कब पहुँच जाए, ये तो नहीं पता है। आप सभी का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो हम भी बहुत आगे चले जाएंगे। एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, मेहनत कर रहे हैं। तो आप प्लीज प्यार सपोर्ट दुलार बनाए रखिए अपना। तो हम चल रहे हैं अपने टेबल पे। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, सब कुछ नहाना खाना पूजा भी कर लिए हैं। आपको दिखाते हैं नया, मेरा नया पूजा घर। ये है मेरा न्यू पूजा घर जिसमें भगवान जी बैठे हुए हैं। देखिए इधर, देखिए दीपावली में जो गणपति बप्पा लक्ष्मी माता की मूर्ति फोटो फ्रेम लिए थे, वो हैं कृष्ण कन्हैया जी हैं, कुबेर महाराज जी हैं, फिर श्याम बाबा बैठे हैं, और इधर श्री नारायण हैं, इधर संकट मोचन बजरंग बली हैं। तो जो लोग भी पूजा में आस्था करेंगे, रख रहे हैं, उन सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री श्याम। फ्रेंड्स, जो भी आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये भगवान की दया है और आप लोगों की समझ है, तो आप सभी का प्यार है। तो आज हम बोल रहे हैं इतना अच्छे से, खुश हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई की तरफ, और आप भी मेरी वीडियो को देखते रहिए, पूरा पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। प्लीज मेरा वॉच टाइम गेन हो जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब यहाँ से निकलते हैं, अभी थोड़ा ये काम जारी है, काम अपना कर रहे हैं। दो डंडा मिला है, अभी दो डंडे और बाकी हैं, इसके बाद इन प्रभु का पंडाल बना देंगे, छोटा सा ही सही मंदिर की तरफ। पैसे नहीं थे मेरे पास, तो हमने 200 रुपये बचे थे, कोचिंग करवा रहे थे बच्चों का, तो 200 रुपया मिला था, बचा था। बर्थडे वाले दिन अपने पूजा किए थे, प्रभु का क्या बोलते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने थे अपने बर्थडे की खुशी में। तो उसका ब्लॉग हम बना नहीं पाए थे क्योंकि हम तो पूजा कर रहे थे और राखी बनाई ही नहीं थी वीडियो, इसलिए वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाया। फिर हम देंगे आपको। तो ये तख्त हमने भगवान जी के लिए लेके आए क्योंकि भगवान जी वहाँ किचन के ऊपर बैठे थे तो अच्छा नहीं लगता था, अभी यहाँ हैं, अच्छे से बैठे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ बैठ करके पूजा करना, इसलिए बना दिए। तो फाइनली फ्रेंड, अब चलते हैं, हम अपना थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। जब तक मन लगा रहेगा तब तक अपना PYQ सॉल्व करेंगे। आज हमने सोचा है कि मंडे स्पेशल कर दें अपना, और जितने हिंदी और GS के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लें, और रात में बैठ के आराम से रीजनिंग सॉल्व करेंगे। या एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि जो है एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कैसा होगा कुछ पता नहीं है। बट एक तरफ से खुश
खुद में वो विश्वास भी है कि हाँ हम एग्जाम देंगे, अच्छे से देंगे। फ्रेंड्स चलें अब फाइनली। फ्रेंड ये हमारा देखिए पी वाई क्यू, हमने इतना सॉल्व कर लिया, 2 साल 3। ये देखिए आर ओ आर ओ 2014 प्रारंभिक परीक्षा सामान्य हिंदी 13-14 हो गया, और फिर वो 16-17 और ये 2013 का है, इसको सॉल्व कर लिया है। ऑलमोस्ट हिंदी का जो है हमने अपने मन से ही 30-30 क्वेश्चन का ये था, एक एक पेपर एक एक साल का, इसको हमने कर लिया। अब ये आ गया विलोम शब्द, विलोम शब्द का अभ्यास सेट, ये अभ्यास सेट है, कॉपी वाई क्यू था, ये अभ्यास सेट है। इसको हमने इसमें 25 में हमारी कितने सही कितने क्वेश्चन गलत हुए थे ये दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन गलत हुए थे 50 क्वेश्चन में, और 2 का तो क्वेश्चन ही आंसर ही गलत था 50 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन। अब इसके बाद ये अभ्यास सेट 2 वाक्य एवं वर्तनी, ये अब हमको सॉल्व करना है। इतना हम सॉल्व कर चुके हैं, अब मन नहीं लग रहा है तो आप सोच रहे हैं कि इसको इसको रख के जीएस का कुछ सॉल्व कर लें। इसके बाद जो है फिर हम अपनी वीडियो को समाप्त करें, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स, और नई नई चीज़ें बताते हैं आप सभी को। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त व्यंग पूजनीय पूजनीय व्यंग इनके से असुद वाक्य की पहचान करें, प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत सज्जन पुरुष है, कई वर्षों तक हमारे देश के पैरों पर स्वीडन हुआ, बहुत इसका अशुद्ध है, वह बहुत सज्जन पुरुष है, इसका शुद्ध वह बहुत सज्जन है। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, मनीषा शुश्रूषा। निम्नलिखित में शब्द उद्योग शब्द का चयन करें, निम्नलिखित में शब्द का चयन करें, औद्योगिक सही शब्द और औद्योगिक, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें, छत्र छत्रो छाया वृक्ष छाया छतर छाया छत्र छाया कुछ नहीं है, यह अशुद्ध शब्द का चयन करें। मैं सायं का घूमने जाता हूँ, युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है, वह पानी से पौधों को सींचता वह पौधों को सींचता है, इसका व्याख्या है, यह सही है। शुद्ध वर्धनी उड़ इसका शब्द होगा उजड़, न्यू पीडीएफ ओपन किया है, भारत का भूगोल पीडीएफ नंबर 7 है, मॉडल पीडीएफ नंबर 7 है, इसको आज हम अच्छे से इसकी एक रीडिंग लगा लेंगे और इसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है डेली बाय डेली का जो है क्वेश्चन सॉल्व करना सही रहता है, लेकिन
क्वेश्चन तो इसका खत्म हो चुका है, लेकिन हम इसका फिर से रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि सर ने एक नोटिफिकेशन भेजा है कि जो भी बैक बैक डे के पीडीएफ और क्वेश्चन है उनको रिवीजन करिए और सब्जेक्ट वाइज जो भी जो पीडीएफ है उनको भी हमको पढ़ना है। हिंदी का क्विज भी रिवीजन करना है, प्लस पढ़ाई भी करनी है, उसका रीडिंग भी लगाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा।